कुछ काका कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं। ओए हे एवरीवन, होप करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपने जिंदगी में मस्त ले रहे होंगे। तो भाई आज सुबह उठते ही पेट सी व्लॉग स्टार्ट करती हैं। आज 6 नवंबर यानी कि भाई दूज। तो आज का सीन कुछ ऐसा होगा, पहले तो मैं चाहूँगा इसको पॉप को लेके ये आके मेरे पास बैठ गई है। ये देखो कुल्ली ये आके मेरे पास बैठ गई है। पहले जाऊँगा इसको पॉप पर लेके, तो उसके बाद जाऊँगा मैं नहाऊंगा और पहले टिक्का लगाऊंगा। पहले तो मैं सोचा जिम जाऊंगा, फिर जिम से आके लगाऊंगा, बट दीदी का रात को फोन आया, उन्होंने कहीं जाना है ज़रूरी, तो फंक्शन वगैरह कोई, तो उन्होंने उधर जाना है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना। तो अब पहले मैं टिक्का लगाऊंगा, फिर जिम जाऊँगा, उसके बाद आज हमने मामू के घर जाना है, उसको साथ में लेके जाना है गोल्डी को। तो मामू मुझे अपने सारे इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो देखने से क्या रिएक्शन होता है इस पर, तो मस्त वीडियो होगी यार। वीडियो मेरी दिवाली की भी बन गई है, एडिट भी होगी और सीनियर है, मेरे फ़ोन में स्पेस कम है, उस वजह से ना वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। मेरे ब्लॉग्स वगैरह तो बन रहे हैं सही से और स्पीड में और एडिट भी हो जाते हैं, बस ये स्पेस चक्कर आ रही। मैंने अभी नया फ़ोन देखा है, जैसे नया फ़ोन आएगा तो भाई लगातार ऐसे तड़ा तड़ ब्लॉग्स आते रहेंगे एकदम सही से। तो तब तक अभी भाई थोड़ा सा वो करो, दिवाली ब्लॉग में कोशिश करूँगा आज कल मैं अपलोड करने की, बाकी आज का ब्लॉग पूरा देखना। भाई अभी हम निकल रहे हैं मामू के घर के लिए, तैयार शहर हो गए हैं। भाई बताता हूँ गाड़ी में बैठ के पूरा क्या सीन हुआ, पर उससे पहले ना तुम दिखाता हूँ मैं गोल्डी को लेके जा रहे ना, देखना अभी इसको, इसे देखो। ओए ये देखो कैसे बैठी हुई है। तो अभी हम पहुँचे हैं तभी के फोर्थ ब्रिज पे, वो क्रॉस कर रहे हैं, इसको देखो ये देखो कैसे बैठी हुई है। अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि सुबह में ऐसा कितना बड़ा स्कैम हुआ। पहले दीदी ने फ़ोन किया था, दीदी ने कहा था कि मैं आऊँगी, फिर पहले मेरे को टिक्का लगवा लेना मेरे से, फिर उसके बाद जिम जाना। मैं वेट करता रहा, ना जिम गया ना दीदी आई। अब हम जा रहे हैं मामू के घर, फिर मामू के घर से आगे दीदी का घर है, फिर वहाँ पर जाएंगे दीदी के घर में। भाई हम जा रहे थे, हमें ये देखो क्या कर पहुँच गए हैं मामू के घर में, सारे उतर के चले गए हैं। अब हम जाते हैं, देखते हैं सबके रिएक्शंस लेंगे, देखते हैं सारे क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं गोल्डी पे। आजा गोल्डी, गोल्डी आजा, गोल्डी आजा, आजा गोल्डी, कम ऑन आजा, बारा गोल्डी आजा आजा। नहीं अरे इसको नीचे लाइए, बांध तक उन्हें इन्हें नो तक भी अखना है हिंदा रूम में, इसने कुछ भी नहीं कहना है, ये बहुत फ्रेंडली है। देख नीचे रख, नीचे कुछ नहीं कहेगी, वो भी कुछ नहीं कहेगी। अच्छा आ जा इधर जल्दी आ, मां से पकड़ मेरे, अच्छा इधर आ जाओ। शोर आ रहा होगा, उसको अवॉइड करना है। मैं तुम्हें बताऊँ ऐसा इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इस वजह से स्कैम ही हो रहे हैं। मैं गोल्डी को लेके तो आया यहाँ पे, यहाँ पे इनको इसको कोई अंदर घुसने नहीं दे रहा, इसको यहाँ पे कोई घुसने नहीं दे रहा अंदर, सारे कहते बाहर निकलो बाहर निकलो। अभी सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है, पर ना इसको ना इधर से अंदर कोई आने ही नहीं दे रहा है। मेरे को तरस आ रहा है यार, कहाँ मैं इसको अपने बेड पर सुलाता है, कहाँ इसको इधर। अभी टाइम हो रहा है 5:30, मैंने सोचा था करूँगा व्लॉग मैं टिक्का वगैरह लगाते हुए, यहाँ जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब व्लॉग बनाऊँगा, बट इतना ज़्यादा ऐसे रश सा पड़ गया, मतलब रश मीन्स कि सारे आ गए थे, मामू मासी फिर सारे भाई वगैरह, तो सब इकट्ठे हो गए थे टिक्का टिक्के के लिए। तो फिर मैंने सोचा यार अभी सही नहीं होगा व्लॉग करना, तो इतना कॉन्फिडेंस भाई में भी आया भी नहीं है कि सबके सामने से कैमरा उठा के कर ले। तो ये देखो इसको, तो फिर सबके साथ बिजी रहे, उसके बाद सबने सुच्चा मुँह रखा था, तो उसके बाद सबने लंच किया, तो लंच करने के बाद सारे चले गए थे। अभी मामू मामी गए हुए हैं, मामी की वैक्सीन लगनी है वहाँ पे गए हैं, तो बाकी भी गए थे फंक्शन पे, बट वो अभी आ गए हैं, बच्चे सारे हमारे पास थे, तो मैंने सोचा चलो छत पे जाके थोड़ी देर आपसे बात वगैरह कर लेता हूँ। तो गोल्डी भी हमारे साथ है, पर यार गोल्डी का बड़ा दुख लग रहा है मेरे को, ऐसा क्यों, क्योंकि गोल्डी हमारे घर पर हमारे बेड पर सोती है, आपको पता ही है बेड पर सोती है अंदर, और पूरे दिन हमारे साथ खुली रहती है, बट यहाँ पे आया ही तो यहाँ पे उन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई कि अंदर नहीं लाना इसको या ये वो,
तो फिर इसको हमें बाहर बांधना पड़ा यार, बड़ा दुख हुआ, कसम से बड़ा दुख हुआ। मुंकी तो नहीं वैसे ये, बट मेरे को दुख हो रहा था इसको देख देख के कि ये बाहर अकेली बैठी है। वैसे बैठती नहीं है, बिल्कुल अकेली नहीं बैठती, इसने हमेशा सबके साथ बैठना होता है, बट आई अकेली बैठी थी। मेरे को इसको दुख हो रहा है। अभी मैं इसको छत पर ले आया हूँ, मैंने कहा चल छत पर तो ले ही सकता हूँ। गोल्डी इधर आ जा मेरे बच्चा, ये है लेब्रा रिट्रीवर, जिसको नहीं पता ये मैं मेरे लिए भी नहीं है एक्चुअली। इसको मैं कोई 1.5 हफ्ते पहले लेके आया हूँ फ्रेंड से किसी, तो ये फीमेल है, इसका नाम है गोल्डी। बहुत ज़्यादा स्वीट है यार कसम, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो इसे गोल्डी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा आज ब्लॉग क्या करूं, क्योंकि मैंने सोचा था पूरा का पूरा सेलिब्रेट करते हुए आपको दिखाएंगे, केक वगैरह काटा हमने और भी बड़ा सेलिब्रेट किया, बट कुछ भी नहीं हो पाया यार। और इवन मैं कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा टेंशन पड़ी थी मेरे को 2 दिनों से, क्योंकि दिवाली ब्लॉग बनाया था, इतना सही दिवाली ब्लॉग बना था, इतना सही, मतलब आज या कल तो पोस्ट होगा ही होगा, कोशिश करूँगा आज शाम तक या कल पोस्ट करूँगा ही करूँगा, इतना सही ब्लॉग था। बट सीन क्या था, अभी मैं किसी और फ़ोन में ब्लॉग कर रहा हूँ, जो मेरा आईफोन था उसकी थी स्टोरेज कम और वो भी फुल हो गई थी, वो भी फुल हो गई थी। उस वजह से क्या हो रहा था, ब्लॉग एडिट करने के लिए मैंने ऐप में डाला, जब एक्सपोर्ट करने की बारी है एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि स्टोरेज ही फुल थी। रात को मैं सोया होऊंगा कोई 2-3 बजे, ठीक है 2-3 बजे सोया मैं, सुबह फिर उठ गया, तो पूरी रात मैं सिर्फ यही देखता रहा कि कैसे करूँ एक्सपोर्ट इसको, स्टोरेज तो खाली हो ही नहीं थी फ़ोन में से, मैंने सारे ऐप सब कुछ डिलीट कर दिया फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा यार ये ऐसा तो होगा नहीं, फिर मैंने लैपटॉप में अच्छे से ऐप्स वगैरह ढूंढे जिसमें मैं एडिट कर सकूं। अब मैंने लैपटॉप में फिर से ऐप किया डाउनलोड, लैपटॉप में एडिटिंग करना स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरी एडिटिंग करता है मेरा छोटा भाई, तो ये एडिटिंग करता है ब्लॉग्स वगैरह, या मैं पहले रील्स वगैरह बनाता था वो भी सारी काफ़ी अच्छी एडिटिंग करता है, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी भी तो एडिटिंग। तो इसी ये मेरा ब्लॉग एडिट कर रहा था, इसने पूरा का पूरा दिवाली ब्लॉग एडिट होकर तैयार हो गया था, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। ये मेरा दिवाली ब्लॉग उसी के अगले दिन आ जाना था, बट एक्सपोर्ट की होने की ना होने की वजह से डिले हो गया। तो अभी मैंने भाई को दिया, अब उसने लैपटॉप में फिर से एक्सपोर्ट वो किया, एडिट किया है, तो अब एडिट किया, अब एक्सपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे ये है मेरे घर पे मेरा वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ पे गांव में वाईफाई भी नहीं है, तो शायद पता नहीं अब स्पीड कितनी आती है, किस वजह होता है एक्सपोर्ट या नहीं होता, एक्सपोर्ट तो शायद हो जाएगा, अपलोड होता है या नहीं होता। अगर अपलोड हो गया तो आज ही रात तक आपको ब्लॉग मिल जाएगा, मतलब 6 नवंबर आज रात, मतलब आप तक ये वीडियो भी लेट ही पहुंचेगी, बट मतलब 6 नवंबर को कोशिश करूँगा ये ब्लॉग चढ़ जाए, बट अगर नहीं चढ़ा तो कल तो पक्का चढ़ाऊँगा, क्योंकि कल शाम को तो मैंने घर पे पहुंच ही जाना है, कल अगर सुबह नहीं पॉसिबल हो पाया शाम को तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा ब्लॉग। बाकी इस ब्लॉग को मैं जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन में ब्लॉग कर रहा हूँ और मैं नया फ़ोन भी ले रहा हूँ, तो जब वो एक बार वो फ़ोन आ जाए तो फिर एकदम बिल्कुल स्पीड के साथ ब्लॉग्स आएंगे। मतलब जिस दिन बनेगा, जिस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगा शायद उसी दिन या उसके मैक्स टू मैक्स उसके अगले दिन ब्लॉग आपके तक पहुँच ही जाएगा। बाकी आज मेरे पास बात करने के लिए अलावा कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी सी यहाँ की सीनरी दिखा देता हूँ, वो इन्जॉय करो। तो ले लिए हैं सिनेमैटिक्स, देखने आप ज़रूर पसंद आएंगे आपको। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया था उस वजह से शायद थोड़े अच्छे ना आए हों, बट फिर भी देखना आप बताना कैसे लगे आपको। तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, पता है वीडियो में इतना कुछ नहीं था दिखाने के लिए, बट आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा सही होंगी। दिवाली वाला ब्लॉग भी बड़ा सही है यार, वो इससे पहले आ जाएगा आपके पास, वो ज़रूर देखना, वो बहुत सही बना है और आगे भी अच्छे अच्छे बनेंगे। इसमें भी अच्छा बनना था ये भी, बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उस वजह से नहीं बन पाया, बट आगे वाले ब्लॉग्स तगड़े होंगे। उसके लिए उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, बट बताना ज़रूर कि क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए और क्या नहीं। तो बाकी सब तो भाई वगैरह चले गए नीचे, तो मैं भी करता हूँ वीडियो को एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।